जैसे जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो इस समय पे हल्की सर्दी है, जिसमें ये नहीं पता लगता कि कब जैसे सर्दी आ रही है कब गर्मी लग रही है। पूरे दिन में तो गर्मी है, फिर रात को एकदम से सर्दी हो जाती है और टेम्परेचर भी अब 10-11 डिग्री पहुंच रहा है। तो इस समय पे सबसे ज़रूरी है कि हर एक आदमी जो है अच्छे से ओढ़ करके रहे और अपने जो है सेहत का ध्यान रखे, क्योंकि इस समय पे थोड़ी सी भी जो है ठंड लगते ही खांसी जुकाम हो जाता है। खांसी जुकाम अभी डेंगू भी हो करके चुका है, तो ये जो है ना बहुत ही दिक्कत वाला काम है। बुखार है, खांसी है, जुकाम है, ये जो है जल्दी से जाता नहीं है। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, स्मॉग है, उसके कारण जो है बड़ी दिक्कत है। जितने भी बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके अंदर खांसी की, दमे की जो शिकायत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो हाइपरटेंसिव मरीज हैं जिनका बीपी ज़्यादा रहता है, उन लोगों के बीपी के बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं सर्दियों में, तो उन्हें काफ़ी सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। सर्दियों में जितना भी खान पान है वो मीठा हो जाता है, तो जिसके कारण जो है डायबिटीज मरीज जो है ज़्यादा मीठा खाता है, उससे उसके अंदर भी परेशानी है। तो ये जो सर्दियां हैं उसमें विशेष जो है ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने भी जो है हाइपरटेंसिव मरीज हैं, जिनको बीपी की शिकायत रहती है, जिनको शुगर की शिकायत रहती है, जिनको दमे की शिकायत रहती है, वो अपना विशेष ध्यान रखें और परहेज रखें और अपने को ओढ़ के पहन करके कपड़े रखें, जिस तरीके की ठंड है उस हिसाब से रखें। अगर वो नहीं रखते तो उन्हें इस तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। और गांवों में अक्सर देखने को मिलता है कि सर्दियों में कई जो है बुजुर्ग जो है दमे के कारण या किसी और के कारण जो है स्वर्ग लोग चले जाते हैं। तो वो उसमें जरूरी है कि बुजुर्ग लोग जो है अपना विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है गर्म चीज़ों की ओर या फास्ट फूड की ओर लोगों का रुझान बढ़ता जाता है, तो ऐसे में इन चीज़ों का परहेज करना चाहिए या नहीं? देखो, जो चीज़ गर्म है वो तो खाई जाए, लेकिन जो चीज़ जो फास्ट फूड है जो कि गर्म नहीं है, अपने अंदर उसके अंदर तासीर जो है ठंडी है, तो जो है गर्म चीज़ें हमें लेनी चाहिए। थोड़ा सा सूप लिया जाए, थोड़ा जो है गर्म सब्जी ली जाए, है ना, गर्म चीज़ों का सेवन तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो है अगर ठंडी चीज़ों को लेंगे, फास्ट फूड की तरफ जाएंगे, तो वो जो है हानिकारक ही है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें बच करके रहना चाहिए। पॉल्यूशन इस समय पे इतना ज़्यादा है, मतलब इस समय पे डेंगू के केसेस ऐसे लोकल हो रहे हैं जैसे कि जो है मलेरिया हुआ करता था किसी समय पे। हर एक घर में जो है डेंगू का मरीज है। तो मैं तो कहूँगा कि अपने आसपास में फॉगिंग करा के अपने तरीके से जो है इस सर्दियों को अच्छे से बिताएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यानी अगर बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई दे तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को? बीमारी के कोई भी लक्षण दिखें तो मैं सलाह दूंगा कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और जो इलाज लें, प्रॉपर इलाज लें। इधर उधर जो नीम हकीम या किसी और से जो इलाज लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो चीज़ कई बार बढ़ जाती है।